हेलो फ्रेंड्स देखिए हम लेडीज स्काफ बनाने जा रहे हैं देखिए ग्रीन कलर से मैं तीन फंदे डालूंगी अपनी सिलाई में एक नोट लग जाएगा और बस दो फंदे डालूंगी एक और ये दो ठीक है दो फंदे मैंने बना लिए अब इन तीन फंदे बन गए देखिए मेरी सिलाई में अब इन तीन फंदों को मैं एक बार बना लूँगी ऐसी धागा आगे करके तीन फंदे बना लूँगी एक बार पहली सिलाई है ये दस नंबर की सिलाई है मेरे पास अब देखिएगा उल्टी तरफ से हम शुरू करेंगे डिज़ाइन एक फंदा उसी फंदे को ऐसे ढीला करके पीछे से बनाएंगे हम अपने फंदे बढ़ाएंगे अब तीन फंदे डाले हैं हमने उसी फंदे को ढीला करके पीछे से दोबारा बनाएंगे ये मेरे एक फंदे के दो फंदे बन गए एक सिंपल बनाएंगे अब इस फंदे को भी एक फंदे को दो बार बना देंगे अब मेरे पास पांच फंदे बन गए हैं ठीक है मैंने तीन फंदे डाले थे पांच बन गए हैं अब इस तरफ से सिलाई बिल्कुल सिंपल डालूंगी उल्टी उल्टी बनाऊंगी एक दो तीन चार और ये पांच पांच बन गए अब इन पांच फंदों को मैं सात फंदे बनाऊंगी साइड सबसे पहले वाले फंदे को डबल बनाऊंगी एक बार सामने से उसी फंदे को ढीला करके एक बार पीछे से ऐसे ठीक है बीच में दो फंदे आएंगे मेरे अब तीन आएंगे एक दो ये तीन इस तरफ के लास्ट वाले फंदे को फिर डबल करूंगी एक बार सामने से उसी फंदे को ऐसे ढीला करके पीछे से पांच बन गए थे अब मेरे पास सात फंदे बन गए हैं उल्टी तरफ से फंदों को उल्टा बना दूंगी सात के साथ को ही दो तीन चार पाँच ये सात मैंने तीन फंदे डाले थे सात बन गए अब मैं फिर एक एक बढ़ाऊंगी उल्टी सिलाई उल्टी डालेंगे सामने एक फंदे के सबसे पहले दो बनाएंगे अब मेरे बीच में आ जाएंगे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे आ गए लास्ट वाला फंदा फिर डबल बनाएंगे एक बार सामने से एक बार पीछे से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डालूंगी मेरे नौ फंदे बन गए अब दो चार पाँच छ सात आठ ये नौ अब मेरे पास नौ फंदे बन गए अब इन नौ फंदों के मेरे पास ग्यारह फंदे बन जाएंगे सबसे पहले वाले को डबल बनाऊंगी। एक बार सामने से उसी फंदे को ऐसे ढीला करके थोड़ा सा एक बार पीछे से ये दो फंदे बन गए बीच वाले फंदे एक दो तीन चार पाँच छत बन गए लास्ट वाला फंदा फिर डबल बनाऊंगी एक बार आगे से उसी फंदे को ऐसे ढीला करके पीछे से ठीक है मेरे फंदे बढ़ रहे हैं उल्टी सिलाई उल्टी निकालूंगी इसी तरह मैं दोनों तरफ से अपने एक एक फंदा बना के जो सतारा फंदे हो जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ ठीक है दोनों तरफ से हमें सबसे पहला और लास्ट वाला डबल करना है बीच वाले उल्टे बनाने हैं ये सिलाइयाँ मैं आपको निकाल के फिर दिखाती हूँ ठीक है देखिए फ्रेंड्स मैंने तीन फंदे डाले थे एक एक दोनों तरफ बढ़ाते हुए मेरे पास अभी सतारा फंदे हो गए हैं ठीक है अब हम इन सतारा फंदों की पट्टी बनाएंगे सबसे पहला फंदा हम हर बार उतारेंगे बीच वाले उल्टे बनाएंगे ये बना के दिखाती हूँ आपको देखिए लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके हमें सीधा बनाना है वो जब इस तरफ से बनाएंगे तो इसको बनाएंगे नहीं उतारेंगे बीच वाले फंदे उल्टे दिखाती हूँ आपको देखिए मैं फिर लास्ट पे आ गई हूँ धागा पीछे करके ये वाला फंदा सीधा दोनों तरफ ऐसे बनेगा हमारी ये एकदम लंबी कुर्सी बनती जाएगी जब इस तरफ बनाएंगे ऐसे उतार लेंगे इस पट्टी को मैं एकदम लंबा बना के आपको फिर दिखाती हूँ हमारी बांधने के लायक हो जाएगी इतनी लंबी बनाएंगे हम इसको इसी तरह उल्टी उल्टी बनाना है दोनों तरफ से हमें अपना फंदा सीधा उतारना है सामने से उल्टी तरफ से सामने से हम धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से हम उस फंदे को उतार लेंगे देखिए ऐसे ये लास्ट पे पहुंच गई मैं, धागा पीछे करेंगे इसको इस तरह से सीधा बनाएंगे दोनों तरफ ऐसे ही करना है हमें शुरू में और लास्ट में ऐसे उतार लेंगे अब इसको बीच वाले सही फंदे उल्टे दिखाते हैं आपको एक बार और जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे धागा पीछे करके इस फंदे को हर बार सीधा बनाएंगे और जब इस तरह से इस फंदे को बनाएंगे तो इसको ऐसे ही उतारेंगे बाकी फंदे उल्टे बनेंगे दोनों तरफ हम यही फंदा ऐसे ही रिपीट करना है तो हमारी एक लंबी कोर सी बनती चली जाएगी एकदम सफाई में आएगी ये पट्टी में आपको इसी तरह इसकी लंबाई बढ़ा के फिर दिखाती हूँ ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमारी इतनी लंबी पट्टी हो गई है जो हमने धागा उतारा है देखिए एकदम सफाई में हमारी दोनों तरफ कोर बनेगी ठीक है थीके? ये सतारह फंदों की पट्टी मैंने इतनी लंबी बनाई है देखिए दस इंच के करीब है ठीक है अब मैं अपने थोड़े से फंदे बढ़ाऊंगी ये सतारह फंदे हैं मैं अपने इक्की फंदे बनाऊंगी सबसे पहले इस फंदे को ऐसे उतार लूंगी अगले वाले एक फंदे के दो बना दूंगी एक बार सामने से उसी फंदे को ढीला करके एक बार पीछे से बाकी फंदे उल्टे बनाऊंगी लास्ट पे आके दिखाती हूँ आपको देखिए लास्ट पर मेरे पास दो फंदे एक उल्टा एक सीधा जो उल्टा है उसको मैं फिर डबल बनाऊंगी एक बार सामने से एक बार उसको ऐसे पीछे से सतारह फंदे थे मेरे पास अभी ये उन्नीस फंदे बन गए हैं धागा पीछे करूंगी इसको सीधा ठीक है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालूंगी उसी तरह सेम जैसे शुरू से निकाले है एक फंदा उतारेंगे बाकी बीच वाले उल्टे बनाएंगे लास्ट पे आके दिखाती हूँ आपको ठीक है देखिए लास्ट पे धागा पीछे करके ये फंदा फिर सीधा बनेगा अब एक बार तो हमने फंदे बढ़ा लिए हमारी उन्नीस फंदे हो गई अब एक बार और हम अपने फंदों को बढ़ाएंगे एक उतारेंगे फंदा अगले एक फंदे के दो बनाएंगे एक बार सामने से एक बार पीछे से ये हम 21 फंदे करेंगे अपने यहाँ पे बाकी फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी लास्ट में आकर दिखाती हूँ आपको ठीक है देखिए लास्ट में जो एक फंदा मेरा उल्टा रह गया उसको फिर मैं डबल बना दूँगी एक बार सामने से एक बार ऐसे पीछे से ये मेरे 21 फंदे टोटल बन गए धागा पीछे करके ये वाला सीधा ठीक है उल्टी सिलाई डाल के सामने आके दिखाती हूँ आपको मैं ये अभी हमारी पट्टी तैयार हुई है देखिए ठीक है देखिए मेरे टोटल 21 फंदे आ गए मेरे सिलाई में सतारह फंदों की हमने पट्टी तैयार की है उसके बाद मैंने अपने दो दो फंदे दोनों तरफ से बनाए हैं अब देखिएगा मैं 10 फंदे बनाऊंगी एक तरफ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस मेरे इस तरफ होने चाहिए फंदे दो चार छः, आठ और ये दस ये ग्यारहवा फंदा है इसको ग्यारहवें फंदे को बीच वाले को हमने सीधा बनाना है धागा आगे रखेंगे ऐसे सीधा बनाएंगे। इस फंदे के दोनों तरफ जाली आ जाएगी ऐसे धागा आगे रख के इसको ऐसे सीधा बना लेंगे धागा आगे लेके आएंगे, इस फंदे को भी ऐसे सीधा बनाएंगे बाकी फंदे हमारे धागा आगे करके उल्टे उल्टे बन जाएंगे साइड वाला फंदा हम इसी तरह बनाएंगे धागा पीछे करके वो हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ही कोर बनेगी दोनों तरफ धागा पीछे करके हमें ये सीधा ही बनाना है और उल्टी तरफ से इस फंदे को हमें उतारना है अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी जो हमने जाली बनाई है उसका ही फंदा बन जाएगा फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको ये पूरी सिलाई उल्टी बनाऊँगी हर बार ऐसी होगी पूरी सिलाई उल्टी जो हम धागा घुमाते हैं पिछली तरफ से वो हमारा फंदा नया ये देखिए नया फंदा तैयार हो जाएगा मेरे पास दो फंदे बढ़ गए हैं बीच में ठीक है देखिए मैं घूम के फिर दोबारा सामने आ गई हूँ एक फंदा ऐसे उतारना है हमें हर बार उतारना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हमने ये दस फंदे अपने उल्टे रखे थे ठीक है हमारी दस फंदे उल्टे रहेंगे जो हमने जाली में डाल के फंदा बढ़ाया है सॉरी ये फंदा ये हमारे दस फंदे हैं दो चार छः आठ दस ये पिछली बार हमने जाली डाल के फंदा बढ़ाया है ये हमारा सीधा बनेगा धागा पीछे करेंगे इसको हम एक फंदा सीधा बना देंगे धागा आगे करेंगे ये जो हमने बीच में सीधा रखा है उसको फिर सीधा बनाएंगे धागा आगे लेके आएंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे धागा फिर आगे आएगा आगे जो हमने जाली डाल के फंदा सीधा बनाया है उसको सीधा बनाएंगे ऐसे बाकी हमारे दो चार छः, आठ दस फंदे हमारे धागा आगे करके इस तरफ उल्टे बन जाएंगे ये हमारे ऐसे ही उल्टे रहेंगे शुरू से लेके लास्ट तक धागा पीछे करके सबसे पहला लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बनेगा जब उल्टी तरफ से बनाएंगे इसको उतारेंगे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी फिर सामने आके दिखाती हूँ उल्टी सिलाई हमारी हर बार उल्टी ही बनेगी ठीक है अब देखिए मैं दोबारा घूम के सामने आ गई हूँ एक फंदा उतारेंगे दस फंदे मेरे उल्टे इसी तरह चलेंगे हर बार मैं अपने सबसे पहले दस फंदे उल्टे बनाऊंगी शुरू से लेकर लास्ट तक ये ऐसे ही चलेंगे एक मिनट देखिए फ्रेंड्स मैंने दस फंदे अपने उल्टे बना लिए अब धागा पीछे करेंगे अब मैं पिछली बार हमने जाली डाली थी एक फंदा सीधा बन गया था फिर जाली डाली हमारे दो फंदे अब सीधे बनेंगे ये हर बार हमारे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे एक और ये दो ये बीच वाला हमारा फंदा ऐसे ही रहेगा सीधा धागा आगे करके इसको हर बार बनाएंगे बाद में भी धागा आगे करेंगे इस तरफ हमारे दो फंदे सीधे बन जाएंगे दोनों तरफ हमारे बराबर फंदे आते जाएंगे ये देखिए जो हम बीच में जाली डाल रहे हैं हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और ये उल्टे फंदे हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों तरफ ऐसे ही चलेंगे दस दस फंदे ठीक है ये दस फंदे ऐसे ही चलेंगे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको ये दस के दस फंदे ऐसे ही चलेंगे धागा पीछे करके लास्ट वाला सीधा उल्टी तरफ से पूरे फंदे उल्टे बनेंगे हमारे बीच में फंदे बढ़ रहे हैं एक जाली वाला सीधा हमने फंदा रख के उसके दोनों तरफ हम अपनी जाली बना रहे हैं ठीक है हमारी सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे उल्टे फंदे हमारे दस दस ऐसे ही रहेंगे ठीक है देखिए फ्रेंड सामने आके मैंने अपने दस फंदे बना लिए अब धागा पीछे करके देखिए मेरे एक सीधा बन गया दो सीधे बन गए अब ये तीन सीधे बन गए हर बार मेरा एक एक फंदा बीच में बढ़ता जाएगा जाली डालेंगे ये फंदा इसी तरह सीधा चलेगा आगे लाएंगे धागा फिर जाली डालेंगे एक दो और ये तीन यानी कि मेरे जो बीच वाला फंदा इसके दोनों तरफ मेरा एक एक फंदा बढ़ रहा है और जब हम उस फंदे को बढ़ाते हैं अगली बार वो फंदा सीधा हो जाता है ये देखिए हम अब हम अगली बार हमें मेरे चार सीधे हो जाएंगे यहाँ पे मैंने कोई सीधा नहीं रखा था जाली डालते जाएंगे और ये फंदे हमारे सीधे होते जाएंगे ठीक है मैं इसी तरह आपको ये बीच वाले बढ़ा के दिखाती हूँ मैं ये सोलह जालियाँ डालूंगी मेरी अभी चौथी जाली है एक दो तीसरी जाली है मेरी ये ये मैं आपको सोलह बार ऐसे ही घुमा के फिर दिखाती हूँ दोनों साइड हमारे उल्टे उल्टे उल्ट ऐसे ही चलेंगे धागा उतरेगा ये लास्ट वाला फंदा देखिए हमारे सिर्फ बीच बीच में फंदे बढ़ेंगे ठीक है यहाँ पे अब एक दो तीन जालियां दिखने लगी हैं जब ये ऐसे गिनने में सोलह जालियां आ जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने एक एक अपना फंदा बीच में बढ़ाती गई मेरे पास ये दोनों तरफ देखिए कितने फंदे बढ़ गए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सतारवीं मेरी सिलाई में है ये मैंने सतारह जालियाँ डाली हैं ठीक है थीके? अब देखिए मेरे सीधे फंदे हो गए हैं इस तरफ के ये तो हमारा सीधा फंदा है दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और एक सतारह ठीक है ये जो पहला सबसे पहला फंदा है इसके ऊपर हम फिर यही वाला डिजाइन बनाएंगे ये वाली जाली पहले तो हमने बीच में बढ़ाए हैं अब हम दोनों तरफ बढ़ाएंगे इन फंदों के ये जो हमारे सबसे पहला फंदा है ये दस फंदे उल्टे हैं एक फंदा हमारा सीधा है ये यहाँ पर जाली डलेगी और इस तरफ से ये सबसे पहला फंदा सीधा है यहाँ पे जाली डलेगी धागा आगे लाएंगे ये दस फंदे मैंने बना लिए ये शूज़ लेके लास्ट तक मेरे दस फंदे ऐसे ही चलेंगे धागा आगे लेके आएंगे फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे धागा फिर आगे आएगा एक फंदा सीधा बन जाएगा ठीक है हमारे दो फंदे बढ़ गए धागा आगे लेके आएंगे बाकी जितनी मेरे उल्टे फंद, सीधे फंदे बने हैं इन सभी को मैं ऐसे उल्टा बना दूंगी गिन के दिखाऊंगी आपको कितनी आई हैं ये सभी फंदे मेरे उल्टे बनेंगे ये हमें एक एक जाली डाल के बढ़ाए हैं अपने फंदे ये मेरे सभी फंदे उल्टे हो जाएंगे ये देखिए बीच में आ गए हैं ये कुछ ऐसे हमारा पत्ता खिड़ गया है बीच में आके देखिए यही डिज़ाइन सबसे पहले वाले फंदे पे बनेगा जो हमारा सीधा फंदा है सबसे पहला उस पर बनेगा और इस तरफ से सबसे लास्ट वाला फंदा हमारा ये वाला सीधा है इस पर बनेगा सेम यही वाला डिज़ाइन इतनी सिलाइयाँ हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों तरफ अब हमारे एक बार फंदे बढ़े हैं फिर हमारे दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे सेम इसी तरह ये पूरे फंदे उल्टे बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको लास्ट में पहुँच के देखिए फ्रेंड्स मेरे थर्टी टू फंदे आए हैं ये अब सबसे लास्ट में मेरा एक फंदा सीधा रह गया ये जो शुरू में एक फंदा सीधा है एक फंदा सीधा रह गया धागा आगे करके इसको भी ऐसे ही जाली डालनी है दोनों तरफ से धागा आग अब इस तरफ मेरे उल्टे आगे हैं अब ये मैं ऐसे घुमा लूँगी अपने धागे के ऊपर को बाकी फंदे उल्टे बना दूँगी उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी ऐसे ही बनेंगे लास्ट वाला फंदा उसी तरह उतरता रहेगा शूज़ लेके लास्ट तक उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल के फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको ठीक है अब हमने दो तरफ अपने फंदे बढ़ाए हैं ये वाला डिज़ाइन अब हमने सबसे पहले ये फंदा जो सबसे पहले है हमारा इस पर डाला है इस तरफ से सबसे लास्ट वाले फंदे पे है इस यहाँ पे डाला है ठीक है अब सेम यही डिज़ाइन हमारा ये दो दोनों तरफ बनेगा यहाँ भी और यहाँ भी ठीक है देखिए फ्रेंड्स मैं घूम के सामने आके मैंने दस फंदे बना लिए हैं अब यहाँ पे मैंने अपनी जाली डाली थी सबसे पहले वाले सीधे फंदे पे अब इसको धागा पीछे करके एक फंदा मेरा यहाँ पे सीधा बढ़ गया दोबारा फिर फंदा आगे लाएंगे फिर जाली डालेंगे इस तरफ भी मेरा एक फंदा सीधा बढ़ गया जैसे सेम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे एक एक सेम ऐसे ही यहाँ पर बढ़ेंगे अब धागा आगे करके बाकी के बीच वाले फंदे में अपने सभी उल्टे बनाऊंगी मेरे थर्टी टू फंदे आए थे बीच में सभी फंदे मैं इसी तरह उल्टे बनाऊंगी फिर लास्ट में आपके दिखाती हूँ आपको ये जितने फंदे हमने बढ़ाए हैं अपने सीधे बनाए हैं अब ये सभी मेरे उल्टे बन रहे हैं यहाँ पे ठीक है देखिए मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ इस फंदे हमने जाली डाली थी दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा पिछली बार बढ़ गया इनको सीधा करके धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे लेके आएंगे ये फंदा हमारा फिर जाली पड़ेगी ये हमारा बीच में रहेगा धागा आगेगा अब एक इस तरफ मेरा फंदा बढ़ गया धागा आगे आएंगे दो चार छः आठ दस फंदे ये मेरे शुरू से उल्टे चल रहे हैं ये ऐसे ही उल्टे चलेंगे यही सेम डिज़ाइन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी बनेगा दोनों तरफ सेम यही वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे सबसे पहले फंदे पे और सबसे लास्ट वाले फंदे पे बीच वाले हमारे जितने फंदे आए हैं हम सभी को उल्टा बनाएंगे ठीक है मैं उल्टी सिलाई डाल के फिर सामने आके एक बार और खाता हूँ देखिए फ्रेंड्स हम उल्टी तरफ आए हैं ऐसी है जब हमारी बीच वाली दो सिलाइयाँ उल्टी होगी सामने से यानी कि दो सामने से दो उल्टी तो से चार सिलाइयाँ बन गई तब पाँचवी सिलाई में हम देखिए दस फंदे तो हमने शुरू से जो सीधे चला रहे हैं वही बना लिए उसके बाद में जो हमने जाली डाल के अपने फंदे बनाए हैं वो सीधे बना लिए इस तरफ से अब जो बीच बीच वाले हमारे फंदे हैं वो हम येल्लो कलर से बनाएंगे हम अपना बीच में स्वास्टिक बनाएंगे वो हम येल्लो कलर से बनाएंगे ठीक है एक मिनट में सही करके दिखाती हूँ देखिए जो बीच के हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं वो मैं येल्लो कलर से बनाऊँगी फंदे को साथ में रख लेंगे बाद में इसको कट कर देंगे दूर आके जितने फंदे बीच में, में मेरे उल्टे हैं येलो बनाऊंगी दिखाती हूँ आपको ये येलो उतार के देखिए बीच वाले में इनमें सभी येलो बन गए जो मैंने इस तरह जाली डाल के बढ़ाए हैं वहाँ से मैंने फिर अपना देखिए इस तरह मैंने ग्रीन कलर अलग लगा लिया है इनको सभी को ऐसे उल्टा ये ग्रीन कलर मैंने पीछे ही छोड़ दिया था यहाँ पर मैंने अलग से लगा लिया गोला ये सभी ऐसे उल्टे बनेंगे ग्रीन कलर से सामने आके दिखाऊंगी आपको बीच बीच के जितने हमारे उल्टे फंदे आए हैं मैंने उनको येलो कलर से बनाया है बाकी जो हम जाली डाल के अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे उनको हम ग्रीन ही रखेंगे ये मैं यहाँ तक आपको ग्रीन बना के दिखाती हूँ ठीक है देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने दस फंदे उल्टे बना लिए अब यहाँ पे मैंने जाली डाली हुई है धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे सीधे बन गए धागा आगे करेंगे ये जाली वाला फंदा आ गया इसको ऐसे जाली डालेंगे फिर धागा आगे लेके आएंगे आगे से दो फंदे सीधे जो हमारे जाली डालने के बाद हमारे फंदे मिलेंगे वो हम सीधे बनाएंगे बाकी बीच वाले हमने अपने थर्टी टू फंदे आए थे हमारे पास हमने सभी को अपने उल्टा बना दिया येल्लो कलर से इस तरफ भी जो हमारे जाली डाल के फंदे बढ़ेंगे वो ग्रीन रहेंगे ऐसे ग्रीन फंदे हमारे ऐसे बढ़ते बढ़ेंगे दोनों साइड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरह वो हमारे ग्रीन ही रहेंगे ये बीच वाले हम अपने येल्लो बनाएंगे इनके ऊपर हम स्वास्टिक का निशान बनाएंगे ठीक है देखिए इनको धागा ऐसे बदल के सामने लेके आएंगे इनको उल्टा बना लेंगे ये पूरे फंदे उल्टे बनाऊंगी फिर लास्ट में आके दिखाती हूँ ये वाला डिजाइन अब हमारा यहाँ पे बनने लगा है शुरू में और यहाँ पे लास्ट पे ठीक है देखिए मेरे बीच वाले सभी फंदे उल्टे बन गए अब वो जो जाली वाले फंदे हैं उनको हम ग्रीन बनाएंगे एक सीधा आ गया मेरा दो सीधे आ गए धागा आगे लेके आएंगे इस फंदे में मैंने फिर जाली डब ऐसे बनाएंगे धागा आगे लेके आएंगे इस तरफ से भी मेरे दो फंदे सीधे हैं बाकी फंदे उल्टे ये वाला डिज़ाइन दोनों तरफ ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना है शुरू में भी ये देखिए यहाँ पे और इस तरफ लास्ट वाले फंदे पे भी सेम यही डिज़ाइन आएगा बीच में हम अपना अलग डिजाइन बनाएंगे वो दिखाती हूँ आपको उल्टी तरफ से हम अपना स्वास्टिक शुरू करेंगे बनाना ठीक है यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको देखिए फ्रेंड उल्टी तरफ से मैंने दस अपने उल्टे बना लिए जो हमने जाली डाल के बनाए थे वो फंदे बन गए अब मैं येल्लो के पास पहुँच गई हूँ येल्लो इसमें से ये धागा ऐसे आगे रख लेंगे ग्रीन वाला एक येल्लो दो और ये तीन ठीक है तीन बना लिए अब मैं यहाँ पे अपना रेड कलर लगाऊंगी इस ग्रीन को हम पीछे छोड़ देंगे रेड कलर लगाऊंगी रेड कलर से मैं अपने सबसे पहले छः फंदे बनाऊंगी एक दो तीन येलो ऐसे आगे रख लेंगे कहीं ज़्यादा दूर ना हो जाए चार पाँच छ छः फंदे मेरे रेड कलर से बन गए दो येलो से बनेंगे बीच में अब दो में फिर अपने रेड बना लूँगी ये मैंने स्वास्टिक शुरू किया है अपना ठीक है अब मैं बीच में देखिए एक दो तीन धागा ऐसे घुमाएंगे चार पाँच छ छः मैंने प्लेन बना लिए बीच में फंदे अपने मैं दो स्वास्टिक बनाऊँगी अब दोबारा यहाँ से फिर अपने छः फंदे बनाऊँगी रेड एक दो तीन धागा पीछे करेंगे चार पाँच धागा आगे लेके आऊँगी दो येलो दो रेड एक दो लास्ट में मेरे पास फिर तीन है येलो आ गए जैसे शुरू में आए थे ठीक है अब इस तरफ ग्रीन कलर है मेरे पास ऐसे धागा येलो सामने लेके ग्रीन के ऊपर से इन बाकी सभी कलर को मैं ग्रीन बना दूंगी सभी फंदे हैं मेरे पास जितने सामने आके दिखाती हूँ आपको ये मैंने बीच में दो स्पास्टिक शुरू किए हैं अपने एक मेरा यहाँ पे बनेगा इतना गैप बीच में रखा है एक यहाँ पे बनेगा ठीक है देखिए मैंने दस फंदे अपने उल्टे बना लिए अब एक सीधा ये दो सीधे हमारे ये बढ़ते जाएंगे सीधे एक मिनट दो चार छ आठ दस अब मेरे पास तीन सीधे आएंगे सॉरी मैंने एक उल्टा बना दिया अपने सीधे में से एक दो और ये तीन सीधे धागा आगे लेके आएंगे ये देखिए जाली आ गई हमारी ऐसे डालेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे एक दो तीन इस ग्रीन कलर को हम यहीं पे छोड़ेंगे ऐसे धागा घुमाएंगे येलो इसके ऊपर से ताकि हमारा ये ऐसे धागा आगे लेके आएंगे येलो एक दो तीन धागा पीछे जाएगा ये रेड आएगा सामने जैसे हम स्वास्टिक बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे पीछे से फंदे बदलेंगे सामने से उनको उसी तरह रिपीट करेंगे जैसे हैं वो धागा आगे लेके आएंगे जैसे मेरे फंदे देख रहे हैं मैं ऐसे ही रिपीट करूँगी सही फंदों को सिर्फ धागा आगे लेके आना हमें और उल्टा बनाना है ठीक है ये सिलाई मैं आपको इसी तरह बना के फिर दिखाती हूँ सिर्फ धागा हमें आगे लेके आना है दूसरे कलर का ठीक है मैं दिखाती हूँ आपकी सिलाई कंप्लीट करके ग्रीन हमारे ग्रीन बनेंगे देखिए फ्रेंड्स ये फंदे मैंने सभी बना लिए हैं अब मैं दो सिलाइयाँ उल्टी तरफ से एक उल्टी तरफ से एक सामने से मैं दो सिलाई निकाल के आपको दिखाती हूँ सेम इसी तरह जैसे हमारे फंदे हैं इनकी ऐसी निकलेंगी ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे जाली वाले सामने की तरफ से भी और यहाँ से भी ठीक है बाकी ये फंदे ऐसे रिपीट होंगे जैसे हैं मैं पीछे से एक सिलाई और एक सामने से आके आपको फिर उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ दो सिलाइयाँ सेम ऐसे ही निकलेंगी देखिए फ्रेंड्स मैंने दो सिलाइयाँ और निकाल रही एक दो हमारी गिनने में आ गई हैं सेम हमने उल्टी तरफ से भी और सामने से भी उसी तरह निकाली है अब हम अपना स्वास्टिक के आगे बढ़ेंगे देखिए हम मैंने ग्रीन कलर अपने ग्रीन कलर से बना लिए हैं जो बड़े हुए हैं वो भी और उल्टे चल रहे हैं वो भी अब देखिए ये तीन तो हमारे इसी तरह चलेंगे ऐसे ग्रीन को आगे ले आएंगे एक दो वापस ग्रीन को पीछे कर देंगे ये धागा यहीं पे रहेगा तीन अब ये जो हमारे छः हैं इसमें से हमने देखिए अपने एक येलो बनाएंगे, दो येलो, तीन येलो धागा आगे ले आएंगे ज़्यादा पीछे है और ये चार येलो। अब दो हम रेड बनाएंगे लास्ट वाले एक दो बस हमें यही चेंज करना था इस बार ठीक है बाकी हम दो येलो रखेंगे अपने चार हमने रेड येलो बना दिए ये ऐसे ही बनेंगे दो बाकी जैसे हैं वैसे रहेंगे अब ये बीच वाले फंदे हमारे छः हैं हमने छः के छः ऐसे ही रखने हैं ये शुरू से लास्ट तक जब तक हमारा स्वास्थ्य पूरा नहीं होता चार पाँच और ये हमारा एक स्वास्थ्य यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है अब यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे अपने एक फंदा येल्लो लेंगे धागा आगे ले आएंगे रेड दो फंदे येल्लो तीन चार फंदे हमने रेड अपने येल्लो बना दिए बाकी सेम बनाएंगे जैसे हैं फंदे हम वैसे ही बनाएंगे येलो को येलो रेड को रेड ये तो हमारे ऐसे ही चलेंगे जो साइड में है फंदे अब हमारा ग्रीन कलर शुरू हो गया येलो को ऐसे घुमाएंगे एक फंदा ऐसे बना लेंगे वापस येलो को यहीं पे घुमा के छोड़ देंगे हमारे ये साथ नहीं जाएगा ये फंदा मैं सामने आके दिखाती हूँ आपको ठीक है देखिए फ्रेंड्स सामने आके मैंने दस फंदे अपने बना लिए धागा पीछे करेंगे अभी हमने बढ़ा के अपने सीधे किए हैं एक दो तीन चार और ये मेरे पांच बन गए अब ये देखिए सेम यही वाला डिज़ाइन जो हमने शुरू में बनाया था यहाँ पे बनने लगा है धागा आगे करेंगे हर बार ऐसे ही बढ़ाने हैं हमें ये हमें इसी तरह रिपीट करना है बाकी सीधे बन गए हमारे अब ये वाला डिज़ाइन आ गया एक बार हम ऐसे धागा इस तरफ घुमा के लेके आएंगे और दोबारा हम वापस हम अपना इस तरह येलो निकाल देंगे ताकि हमारा ये बीच न रह जाए फिर झंझट होगा फिर ऐसे तीन हम इसी तरह बनाएंगे जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं ठीक है रेड सामने लेके आएंगे ऐसे घुमा के लेके आएंगे पीछे से ऐसे देखिए फ्रेंड हम पीछे से अपने धागे बदलेंगे उन बदले हुए धागों को हम तीन बार रिपीट करेंगे एक बार तो हम बदलते हैं उसके बाद हम तीन बार रिपीट करेंगे दो बार आगे से एक बार पीछे से अब मैं सेम आपको ये तीन बार रिपीट करके सिलाइयाँ दिखाती हूँ ऐसे बनाने हैं जैसे हमें दिख रहे हैं बस धागा आगे लेके उल्टे बनाने हैं हमें ठीक है एक बार आगे से पीछे से एक बार फिर आगे से यानी कि मेरी तीन सिलाई निकलेंगी एक बार तो मैंने अपने धागे बदल लिए पिछली तरफ से अब सामने दोबारा आके मैं तीन बार उन फंदों को बनाऊंगी दो बार पीछे से एक बार सामने से ठीक है ऐसे गिनने में, में मेरी दो सिलाइयाँ दिखनी चाहिए एक दो उसके बाद हम फंदे बदलते हैं फिर वो इसी तरह दिखेंगी एक दो ठीक है अब मैं जैसे ही फंदे इसी तरह रिपीट करूँगी इसी तरह सिलाई बनाऊंगी दिखाती हूँ आपको इन फंदों को मैं सो तो ये धागा पीछे करना था मुझे रेड ऐसी रिपीट करके इन फंदों को फिर दिखा दिखाती हूँ मैं पीछे से भी ऐसे रिपीट होंगे और सामने से भी ये तीन सिलाइयाँ इसी तरह बनेंगी मेरी ठीक है रेड फंदा ज़्यादा दूर हो जाएगा पीछे करके ऐसे आगे ले आएंगे दोबारा फिर एक बार और आगे लेके आएंगे रेड फंदे को ये ज़्यादा पीछे हो जाएगा ऐसे येलो के ऊपर से घुमा के इसको ऐसे आगे लेके आना है रखना है इसको पीछे ही है अब रेड आ गया रेड की बनाएंगे सेम इसी तरह पीछे से बनेगी हमारी ये डिज़ाइन और सामने से और एक बार फिर पीछे से तीन बार रिपीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैंने चार सिलाइयाँ फिर निकाली अपने फंदे चेंज करने के बाद देखिए हमारी दिखने लग जाती हैं एक दो एक दो अब हम अपने फिर फंदे बदलेंगे ये साइड वाले हमारे इसी तरह बढ़ रहे हैं दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ इस तरफ भी पहले हमारे सबसे पहले यहाँ बढ़े थे अब दो तरफ बढ़ रहे हैं हमारे फंदे और बीच में हम जितने फंदे बढ़ गए उनके ऊपर हमने स्वास्टिक बना रहे हैं ठीक है ये देखिए हम अपने फंदे फिर पीछे से चेंज करेंगे उन फंदों को हम तीन बार रिपीट करेंगे एक बार तो चेंज हो जाते हैं उसके बाद हम तीन सिलाइया और निकालेंगे दो आगे से एक पीछे से टोटल हमारी एक बार फंदा बदलने के बाद चार सिलाइयाँ निकल जाती हैं ठीक है अब हम अपने फंदे फिर बदलेंगे एक मिनट दिखाती है देखिए तीन फंदे हम उल्टे इसी तरह बनाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक ये तो हमारे ऐसे ही चलेंगे येलो कलर के अब देखिएगा सामने हमारे दो रेड हैं चार येल्लो हैं जो हमारे चार येल्लो हैं उनको भी हम अपने रेड बनाएंगे एक दो तीन चार येल्लो धागा आगे लेके आएंगे अब ये दो रेड हैं इनको तो रेड ही रहेंगे ये पाँच छ ये येल्लो हैं ये भी रेड बन जाएंगे सात आठ धागा आगे लेके आएंगे येलो ज़्यादा दूर हो जाएगा नौ और ये दस टोटल हमने अपने सभी फंदे जो है रेड दस टोटल हमने रेड बना दिए बीच में हमारे येल्लो इसी तरह चलेंगे ये हमने गैप रखा हुआ है दोनों स्वास्थ्य के बीच में एक दो धागा आगे पीछे करते रहेंगे तीन चार पाँच छ दो चार छः थे हमारे बीच में अब देखिएगा दूसरा स्वास्थ्य शुरू हो गया है अब ये वाले हम चार अपने रेड बना लेंगे बाकी सभी को रेड बना देंगे ये बीच वाले दो भी रेड बन जाएंगे टोटल हमारे दस रेड आ जाएंगे एक दो तीन धागा आगे लेके आएंगे चार पाँच धागा नीचे उतार देंगे सॉरी सात आठ अगर आगे पीछे करते रहेंगे नौ और ये दस बीच में हम सेम स्वास्टिक वैसे ही बना रहे हैं मैंने कई बार आपको बताया हुआ है सेम वैसे ही बनेगा अब इस तरफ से ग्रीन हमारे सभी ग्रीन बन जाएंगे एक बार हम येल्लो को ऐसे आगे रख के बनाएंगे दोबारा येल्लो को निकाल देंगे ताकि हमारा झंझट ना हो जाए बाकी फंदे हम ग्रीन बना लेंगे सामने आके दिखाती हूँ आपको ठीक है हमारे ग्रीन बढ़ रहे हैं सामने से उल्टी तरफ से उनको ऐसे ही बना लेते हैं जाली बढ़ती जाती है ठीक है सामने आके दिखाऊंगी देखिए ये वाले हमारे फंदे बढ़ बढ़ के साथ हो गए हैं अब हर बार हमारा एक फंदा बढ़ रहा है यहाँ पे धागा आगे करके हम बनाते हैं एक फंदा जो हमने सीधा रखा है उसके दोनों तरफ बढ़ रहा है जो हमने शुरू में आपको बढ़ाना बताए थे सेम वही हमारा दोनों तरफ बढ़ रहे हैं फंदे इस तरफ भी और उस तरफ भी ये यह देखिए यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं बीच में हमारा स्वास्टिक बन रहा है अब जो जैसे फंदे हैं उनको मैं तीन बार रिपीट करूँगी एक बार सामने से पीछे से फिर सामने से ऐसे गिनने में हमारी दो सिलाइयाँ आ जाएंगी तब हम अपने फंदे फिर चेंज करेंगे साइड में हमारे फंदे बढ़ते ही जाएंगे जैसे यहाँ पे बढ़े हुए हैं सेम यही डिज़ाइन यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे भी स्वास्टिक हमारा बीच में बन रहा है अब मैं इन्हीं फंदों को तीन बार रिपीट करूँगी फिर दिखाती हूँ मैं आपको सेम इसी तरह रिपीट करना है हमें ग्रीन ऐसे आगे रख के येलो ऐसे कर लेंगे सेम जिस कलर के हैं उसी कलर के बीच बीच वाले फंदे में आपको तीन बार रिपीट करके फिर दिखाती हूँ उस साइड वाले बढ़ते ही जाएंगे ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी सिलाइयाँ फिर चार बार रिपीट कर ली हैं एक दो ऐसी देखने में दो लग हो जाती हैं तो वो हमारी चार रिपीट हो जाती हैं देखिए हमारे स्वास्थ्य दिखने लगा है अब देखिए दोबारा फिर ये फंदे हम इसी तरह बढ़ाते रहेंगे अपने इनको कम नहीं करना हमें बढ़ाना इस तरफ से भी और स्वास्टिक के इस तरफ से भी ठीक है ये हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे देखिए अब मैं येल्लो बनाऊँगी ग्रीन आगे रख के बनाएंगे येल्लो और दोबारा ग्रीन को यहीं पर निकाल देंगे ताकि ये झंझट ना हो जाए बीच में अब देखिएगा हम अपने फंदे फिर बदलेंगे ये दस फंदे थे दस फंदों में से पहले दो फंदे मैं रेड बनाऊंगी दो येलो बनाऊंगी दो रेड बाकी अपने पूरे येलो बना लूंगी देखिए ऐसे ये दो सबसे पहले रेड रहेंगे बीच वाले दो येलो बन जाएंगे इस तरफ वाले दो मेरे रेड बन जाएंगे और बाकी मेरे पूरे येलो बन जाएंगे बस मैं ये वाले फंदे अपने उसी तरह चार बार रिपीट करूँगी ये वाले मेरे पूरे येलो रहेंगे धागा आगे लाएंगे ज़्यादा दूर हो जाएगा वरना सिर्फ आगे लाएंगे धागे को ये बीच वाले मेरे छः फंदे हैं सॉरी फ्रेंड्स ये सात भी आ सकते हैं एक मैंने कम कर दिया था मुझे फिर बढ़ाना पड़ेगा दोबारा डिज़ाइन बनाएंगे तब तो। ये सात भी आ सकते हैं बीच में हमारे प्लेन ये देखिए ये छः तो हमने छोड़े थे और ये वाले हमने पूरे अपने येलो बना लिए अब अगले स्वास्टिक के हम ऐसे कर लेते हैं सबसे पहले दस फंदों में से सबसे पहले वाले हम दो रेड बनाएंगे दो येलो बनाएंगे और दो रेड बनाएंगे। बाकी हम पूरे अपने येलो बना देंगे ठीक है पहले वाले फंदे हमने बनाए हैं अपने बाकी हम येलो बनाएंगे पूरे जितने हमारे हैं लास्ट तक और ग्रीन हमारे ग्रीन बनेंगे ग्रीन हम धागा उसी तरह घुमाएंगे, ऐसे ऊपर घुमा के वरना यहाँ पे कट रह जाएगा एक बन गया फंदा दोबारा इसको यहीं पे छोड़ देंगे उतार देंगे बाकी फंदे ग्रीन बन जाएंगे सामने आके दिखाती हूँ आपको ठीक है देखिए फ्रेंड हम सामने घूम के आ गए हैं ये फंदे उसी तरह बढ़ रहे हैं अब मेरे नो नो हो गए दोनों तरफ बढ़ के अब स्वास्टिक बनाएंगे इस तरफ भी मेरे ऐसे ही बढ़ रहे हैं ठीक है स्वास्टिक देखिए जैसे हमारे फंदे हैं इन फंदों को हम इसी तरह रिपीट करेंगे धागा आगे ला के उल्टा बनाएंगे उल्टी तरफ से भी सामने से भी तीन सिलाइयाँ में एक सिलाई तो हमने धागा बदल लिया अपना इसके बाद तीन सिलाइयाँ रिपीट करके आपको दिखाऊंगी ठीक है ऐसे फंदा आगे ला के तीन बार मैं इन्हीं फंदों को रिपीट करूँगी बस आप अब पहले आपने मेरी वीडियो देखी है स्वास्टिक वाली तो आसानी से आपको समझ आ जा आ रही होगी ठीक है मैं एक सिलाई तो ये निकल रही है एक और पीछे से एक सामने से ठीक है ये मैं तीन सिलाई और निकाल के आपको दिखाती हूँ ये फंदे हम अपने बढ़ाने बंद नहीं कर रहे हैं ये साथ के साथ बढ़ाते जा रहे हैं देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी अब ये छोड़िएगा मत बढ़ाना अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो तो आपको आसानी से पता लग जाएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स मैंने चार बार अपने फंदे रिपीट कर लिए हैं सिलाइयाँ एक दो दिखने लगी हैं ठीक है अब मैं अपने फंदे फिर बदलूंगी लास्ट बार बदलेंगे उनको चार सिलाइयाँ निकालेंगे एक बार बदल के हर बार ऐसे ही निकाल रहे हैं हम तीन फंदे यहीं पे छोड़ेंगे ग्रीन को देखिएगा अब ये तो हम ऐसे ही डालेंगे जैसे हैं फंदे रेड के रेड धागा आगे रखेंगे और येलो के येलो और फिर रेड आगे हमारे अब ये दो रेड हैं इनको हम छह रेड बना देंगे एक दो तीन चार धागा आगे लेके आएंगे पाँच ये छ ठीक है देखिए हमने अपने फंदे बदले हैं इस तरफ हमने अपने चार फंदे बढ़ा दिए बाकी सेम वैसे ही बनाए हैं अब बीच वाले हमारे जितने फंदे बीच में हमारे एक दो तीन चार पाँच छ हैं फ्रेंड्स ये मेरे साथ बन रहे थे मैंने एक कम कर दिया था मुझे दोबारा बढ़ाना पड़ेगा वो ऊपर जब हम डिज़ाइन दोबारा शुरू करेंगे आप साथ के साथ भी बना सकते हैं येलो अब देखिए दूसरा सारा शुरू हो गया है ये फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे रेड के रेड येलो रेड इस तरफ हम अपने चार रेड और बढ़ा लेंगे ठीक है हमारे स्वास्थ्य पूरा हो गया है अब ऐसे ही हम इसी तरह अपने फंदों को चार बार रिपीट करेंगे चार से नहीं निकालेंगे दो आगे से एक पीछे से ये निकल रही है एक तो यही है सॉरी ये रेड बन गए हैं येलो बनाने थे बीच में दो येलो येलो ही रहेंगे और ये वाले दो रेड हैं ये अब छह रेड बन जाएंगे सॉरी एक दो तीन चार धागा आगे लेके आएंगे ज़्यादा दूर हो जाएगा पांच और ये ठीक है और लास्ट वाले तीन येलो इसी तरह चलेंगे, ये देखिए सामने से हम अपने फंदे ऐसे बना लिए हैं इस तरफ हमने चार बढ़ाए हैं दोनों तरफ बाकी हमारे सेम वैसे ही हैं अब इन फंदों को मैं दो बार आगे से एक बार पीछे से रिपीट करके तीन सिलाइयाँ और निकलेंगी ऐसे ही ये ऐसे ही बढ़ रही हैं फिर दिखाती हूँ आपको ये मेरा स्वास्टिक पूरा हो जाएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमारे स्वास्टिक पूरे हो गए हैं हमने बीच में अपने दो स्वास्टिक बनाए हैं जो हमारे बढ़ के हमारे उल्टे फंदे हुए थे उन पर हमने दो स्वास्टिक बना लिए साइड में हमारे फंदे उसी तरह बढ़ रहे हैं ठीक है अब मैं पूरी अपनी सिलाई येलो निकाल के फिर आप सामने आके दिखाती हूँ मैंने रेड कलर कट कर दिया अब ये सिलाई पूरी येलो निकल जाएगी देखिए फ्रेंड्स उल्टी तरफ से मैंने अपने पूरी फंदे येलो बना लिए एक सिलाई मैं सामने से उल्टी बनाऊंगी येलो की उसके बाद दो ग्रीन की निकालेंगे ये देखिए शुरू में ऐसे ही बनाया था हमने दो ग्रीन की उल्टी बनाने के बाद हमने उल्टी तरफ से अपना येलो कलर लगाया था अब ये येलो कलर मेरा पूरा हो गया है ये सिलाई उल्टी तरफ से मैं अपनी पूरी ग्रीन कर लूँगी अपने फंदों को ठीक है ये उल्टी बना के दिखाती हूँ आपको उल्टी तरफ आके ये मेरा स्वास्तिक पूरा हो गया है ठीक है देखिए फ्रेंड्स सामने से उल्टी सिलाई निकल गई उल्टी तरफ आके मैं अपनी पूरी सिलाई ये ग्रीन बना लूँगी येलो ये मैं अभी कट नहीं करूँगी पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी दो आगे से और दो पीछे से ये चार सिलाई मेरी उल्टी और बनेंगी जो साइड में मेरे फंदे बढ़ रहे हैं वो इसी तरह बढ़ रहे हैं ठीक है ये ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं दोनों तरफ देखिए इनको हम कम नहीं करेंगे बढ़ाना भी बढ़ता बढ़ाते ही जाएंगे ये चार सिलाइयाँ निकाल के दिखाती हूँ दो उल्टी तरफ से दो सामने से देखिए फ्रेंड्स प्लास्टिक बंद करने के बाद मेरी ग्रीन दो सिलाइयाँ सामने से निकली हैं दो उल्टी तरफ से एक और निकली ये पाँचवी सिलाई निकाल के मैं छठी सिलाई पर सामने आई हूँ देखिए जो हमने एक एक फंदा बढ़ाया है ये मेरे थर्टी थ्री फंदे बन गए एक एक बढ़ा के हमने यहाँ से शुरू किया था एक बढ़ाना थर्टी थ्री फंदों को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी ये दस फंदे शुरू से उल्टे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे आगे के ये जितने मेरे सीधे फंदे हैं सभी को उल्टा बनाऊंगी मैं थर्टी थ्री फंदे ऐसे बनाऊंगी उल्टे यह यहाँ तक यहाँ तक सीधे हैं मेरे यहाँ तक थर्टी थ्री हैं ये यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ मैं उल्टे फंदे ये आपको ठीक है देखिए फ्रेंड्स ये थर्टी थ्री फंदे मेरे उल्टे बन गए जो हमने एक एक बढ़ा के किए थे अब ये उल्टे थर्टी थ्री मेरे पास और हैं ठीक है जिनका हमने स्वास्टिक बनाया है अब इनको देखिए धागा पीछे करके सोलह फंदे में इस तरफ सीधे बनाऊंगी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये सोलह फंदे मेरे इसमें से सीधे बन गए अब सोलह फंदे मेरे इस तरफ होने चाहिए दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह ये मेरा सतारवा फंदा बीच वाला है धागा आगे करके इसकी हम फिर जाली तैयार करेंगे फिर धागा आगे लाएंगे इसको भी सीधा बनाएंगे बाकी इस तरफ के हमारे सभी फंदे उल्टे बन जाएंगे थर्टी थ्री फंदों पे बीच वाला डिज़ाइन सॉरी ये उल्टे नहीं बनेंगे ये सीधे ही चलेंगे देखिए हमने जाली डाल ली है यहाँ से हमारी जाली ऐसी पड़ी है ये हम सीधे करेंगे अपने सोलह फंदे इस तरफ मेरे सीधे आ जाएंगे बीच में सतारवें फंदे के ऊपर हमने जाली डाली है जैसे शुरू में डाली थी ऐसे सीधे बनेंगे ऐसे ही फंदे हमारे ये देखिए जितने फंदे उल्टे थे हमारे सीधे बन गए बीच में हमने जाली डाली है जैसे हमने शुरू में डाली थी सेम उसके ऊपर हमारी बीच में यहाँ फिर जाली पड़ गई है ठीक है ऐसी जाली पड़ी है जैसे ये है इसी तरह हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है बीच में अब ये जो साइड वाले फंदे हैं हमारे ये उल्टे बन जाएंगे इन जैसे शुरू में उल्टे बने हैं थर्टी थ्री फंदे ये उल्टे बन जाएंगे फिर इन उल्टों फंदों के ऊपर फिर हमारा दो तरफ ऐसे स्वास्टिक बनेगा जैसे हमने बीच में बनाया है ठीक है ये देखिए ऐसे उल्टा करके इन फंदों को उल्टा बनाऊंगी ये सभी फंदे उल्टे बनेंगे लास्ट वाले भी मेरे दस फंदे उल्टे चल रहे हैं ये भी उल्टे चलेंगे ये मैं आपको चार सिलाइयाँ निकाल के दिखाती हूँ दो आगे से दो पीछे से ठीक है फिर हम अपना येलो कलर लगाएंगे ओके देखिए फ्रेंड्स हमारी चार सिलाइयाँ बन गई हैं यहाँ पे हम फंदे अपने बढ़ाने बंद कर दिए उल्टे कर दिए जितने सीधे आए थर्टी थ्री एक दो हमारी दो सलियाँ उल्टी दिख रही है हमारी चार सिलइयाँ निकल गई हैं और बीच में हम अपने फंदे बढ़ा रहे हैं सिर्फ बीच में बढ़ाएंगे अब साइड में हमने उल्टे कर दिए पहले हमने बीच में बढ़ाए थे बीच में उल्टे किए थे साइड में बढ़ाए थे अब दोबारा फिर बीच में बढ़ाने लगे साइड वाले बंद कर दिए हमने बढ़ाने ठीक है देखिए दस फंदे मैंने अपने उल्टी तरफ से पाँचवीं सिलाई में डाल लिए हैं अब बीच वाले जो मेरे फंदे हैं ये उल्टे किए हैं हमने थर्टी थ्री फंदे इनको मैं येलो बनाऊंगी अब हम हमें अपने कलर तीन लगाने पड़ेंगे ग्रीन कलर तीन गोले तीन चार पाँच ये जो उल्ट सीधे हैं इन्हें मैं थर्टी थ्री फंदे येलो बना के फिर दिखाती हूँ आपको आगे थर्टी थ्री फंदे येलो बनेंगे मेरे देखिए फ्रेंड्स थर्टी थ्री फंदे मैंने येलो कलर से बना लिए अब एक ग्रीन कलर में यहाँ पे लगाऊंगी ये हमारा ज़्यादा दूर हो जाएगा इसलिए मैंने नया धागा लगा लिया है ग्रीन कलर का अब बीच वाले थर्टी थ्री बीच वाले ये ज़्यादा फंदे हैं हमारे सीधे हमारी जाली भी बन रही है बीच में ये मैं आपको बीच वाले फंदे बना के उल्टे उल्टी तरफ से फिर दिखाऊंगी। बीच वाले हम ऐसे ही बनाएंगे ग्रीन कलर रखेंगे बीच में जाली डाल के बर, उनको बढ़ाते जाएंगे सीधी तरफ से ये ग्रीन कलर के फंदे उतार के आपको फिर इस तरफ आगे दिखाती हूँ हम अपना येलो कलर इस तरफ लगाएंगे ठीक है देखिए बीच में वाली जितने फंदे थे मैंने ग्रीन से उतार लिए अब इस तरफ के जो हमारे उल्टे फंदे हैं वो मैं इस तरफ से येलो उतारूंगी अपने थर्टी थ्री फंदे मेरे इस तरफ के हैं ये थर्टी थ्री मेरे इस तरफ येलो आ जाएंगे और एक फंदा धागा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये फंदे मैं उल्टे अपने ग्रीन ही रखूँगी ठीक है ये बीच वाले उतार के दिखाती हूँ मैं आपको देखिए फ्रेंड्स मैंने थर्टी थ्री अपने फंदे बनाने के बाद अपना ग्रीन कलर ले बांध लिया है इस तरफ ये दस फंदे मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी अब मेरे पास तीन फंदे ग्रीन के बन गए हैं और दो येल्लो के तीन थोड़ी मैंने ग्रीन लगाया है दो थोड़ी येल्लो ये देखिए अब जो स्वास्टिक मेरा यहाँ बीच में बना है अब यही स्वास्टिक मेरा यहाँ पे बनेगा सीधी तरफ से ऐसे बनाएंगे जैसे हैं फंदे उल्टी तरफ में अपने स्वास्टिक शुरू करूंगी दो मेरे यहाँ पे बनेंगे स्वास्टिक और दो यहाँ पे बनेंगे इस तरफ जैसे ही बीच में बनाए हैं सेम वैसे ही ठीक है ये सेम ऐसे ही रिपीट करके मैं सिलाई आपको दिखाती हूँ जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से रिपीट करेंगे हम ठीक है देखिए फ्रेंड्स येलो कलर के उल्टे बनेंगे ग्रीन कलर के बीच वाले सीधे बनेंगे साइड वाले उल्टे बनेंगे ये फिर उल्टे बनेंगे येलो कलर के ये जो बीच में है ये सीधे आएंगे और बीच में हमने ये ऐसी जाली डाल के इनको बढ़ाते जाना है जैसे शुरू में बढ़ाया था बीच बीच में बढ़ेंगे अब बाकी हमारा प्लेन बनेगा यहाँ पे हमारे स्वास्टिक बन जाएंगे सिर्फ एक थोड़ा हमारे अब फंदे बढ़ेंगे जो बीच वाले हैं वो हमारे सीधे फंदे आएंगे बीच में आके दिखाते हैं हमने सोलह फंदे डाले थे सबसे पहले दो बार जाली डाली है अठारह हो गए होंगे अभी ये हमारे से बीच वाले फंदे बढ़ेंगे साइड में हमने जो येलो कलर बनाया है उसके ऊपर हमें दो दो स्वास्टिक और बनाने हैं ठीक है और फिर उसके बाद हम अपने फंदे थोड़े से प्लेन बना के फिर कम करना शुरू करेंगे ये देखिए हमारी जाली आ गई है धागा आगे करके ऐसे बनानी है हमें बीच में है ये दोनों तरफ हमने फंदे बराबर रखे हैं बाकी फंदे सीधे और जब इस तरफ आएंगे येलो उल्टे होंगे और ये भी उल्टे ठीक है मैं उल्टी तरफ स्वास्टिक हम शुरू करेंगे सेम ऐसे ही बनाएंगे ये इसी यहाँ भी और यहाँ भी ये रेड कलर लगा के दोनों तरफ दिखाते हैं आपको देखिए फ्रेंड्स हम अब येलो पे आ गए हैं ग्रीन हम ग्रीन कलर से बना लिए येलो के हम तीन फंदे बनाएंगे ग्रीन ऐसे अंदर ले लेंगे वापस इसको निकाल देंगे ताकि हमारा उलझे ना दो तीन फंदे हमें येलो के बनाने हैं अब फिर हम अपना स्वास्टिक शुरू कर लेते हैं सेम उसी तरह बनाएंगे छह फंदे हम रेड बनाएंगे एक दो तीन येलो धागा आगे लेके आएंगे चार पाँच ठीक है बीच में हम दो फंदे येलो एक दो और दो फंदे रेड एक स्वास्टिक हमारा बन गया बीच में हमने गैप देना है एक फंदे का दो तीन धागा आगे लेके आएंगे, चार येलो पाँच छ सात येलो ठीक है बीच में सात इतनी दूर जाके हम फिर अपना स्वास्तिक शुरू करेंगे उसी तरह छः रेड एक दो तीन चार धागा आगे लेके आएंगे ज़्यादा दूर हो जाएगा पाँच छ दो येलो बीच में सॉरी दो बीच में येलो, दो रेड बीच में और लास्ट में फिर तीन येलो। शुरू में भी तीन येलो और लास्ट में भी तीन और इसको यहीं पे छोड़ेंगे ऐसे करके ग्रीन धागा एक बार बना लेंगे दोबारा फिर उसको निकाल देंगे ताकि हमारा उलझे ना ग्रीन कलर से पूरे ग्रीन बनाएंगे देखिए हमने पूरा अपना यहाँ से शुरू कर लिया है स्वास्टिक सेम ग्रीन हमारा उसी तरह चलेगा बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे जैसे यहाँ पे बढ़े हैं ऐसे ही बढ़ते जाएंगे फंदे बीच में बाकी फंदे हमारे सीधे बनेंगे दोनों साइड जो हम बढ़ाएंगे वो भी सीधे ही रहेंगे अब ठीक है और इस तरफ भी सेम ऐसे ही स्वास्टिक शुरू होगा जैसे मैंने यहाँ पर आपको शुरू करके दिखाया है एक बार धागा बदल के उन फंदों को चार बार रिपीट करना है एक स्वास्टिक दो यहाँ बनेंगे और दो यहाँ बीच में हमारा ये डिज़ाइन आएगा यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे आपको मैं ये पूरा करके नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊँगी ठीक है मिलते हैं फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें स्वास्टिक दो बनाने हैं ऐसे यहाँ पे हमने बीच में अपने फंदे बढ़ाते जाने हैं हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे भी हमने दो स्वास्टिक बनाने हैं ठीक है ठीके? येलो के ऊपर जैसे हमारा ये है ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में आपको आगे बताऊंगी बाय बाय